तो यूपी में सरकार बदल चुकी है, योगी सरकार एक्शन में है, एक्शन का असर भी दिखाई देने लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक बुक्कल नवाब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी राजस्व विभाग ने एमएलसी बुक्कल नवाब के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट मामले में धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बुक्कल नवाब पर आरोप है कि गोमती रिवर फ्रंट के दायरे में डूबी अपनी 54 बीघा जमीन बताकर सरकार से 8 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया गया। बुक्कल नवाब ने खुद को नवाबों का वंशज बताते हुए गोमती के किनारे के 54 बीघा जमीन पर अपना बताकर पिछली सरकार से 8 करोड़ रुपए का मुआवजा ले लिया गया। तो आपको बता दें कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पिछली अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पिछले महीने गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सीएम ने रिवर फ्रंट से प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। प्रोजेक्ट में फिजूल खर्ची को लेकर भी फटकार लगाई गई थी। सीएम ने पूछा था कि नदी का पानी इतना गंदा क्यों है। जांच में पता चला कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में सिर्फ कागजों में नदी को 6 किलोमीटर तक 3 मीटर गहरा किया गया है। सीएम योगी प्रोजेक्ट की न्यायिक जांच के आदेश दे चुके हैं। 1513 करोड़ खर्च करने के बाद भी गोमती की सूरत नहीं बदली है। गोमती नदी सौंदर्यीकरण का काम अधूरा है। आपको बता दें कि लखनऊ में गोमती नदी रिवर फ्रंट के तहत करीब 8.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनना है। लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर रिवर फ्रंट तैयार किया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आचार संहिता लागू होने से पहले ही आधे अधूरे काम के साथ रिवर फ्रंट योजना का उद्घाटन किया था। अब ये बुक्कल नवाब कौन है ये भी समझिए। बुक्कल नवाब यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। अखिलेश और मुलायम के बेहद करीबी माने जाते हैं। बुक्कल नवाब अवध के नवाबों के वंशज हैं। बुक्कल नवाब ने पिछले साल कहा था कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो मैं 10 लाख रुपए का दान दूंगा और सोने का मुकुट भी चढ़ाऊंगा। बुक्कल नवाब के इस बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। पूर्व की एसपी सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। विवेक तिवारी हमारे साथ हैं। विवेक, जिस दिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया था उसी दिन ये बात कह दी गई थी कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बुक्कल नवाब को किस तरह से घेरा जा सकता है, उन पर कैसे एक्शन हो सकता है? देखिए, शासन के न्याय विभाग से ये अनुमति मांगी गई थी कि बुक्कल नवाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गड़बड़ी रिवर फ्रंट में हुई है उसके वो जिम्मेदार है और उसको न्याय विभाग ने परमिशन दे दी है राजस्व विभाग को। अब राजस्व विभाग इस मामले में FIR दर्ज करेगा। देखिए, ये पूरा मामला गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ा हुआ है। ये फ्रंट जब बनना शुरू हुआ तो गोमती नदी के आसपास की जो जमीनें थी रिवर फ्रंट बनाने के लिए सरकार ने, विकास प्राधिकरण ने उसको अधिग्रहित किया था। बुक्कल नवाब ने ये कहा कि ये जमीनें उनके वंशजों की है, लिहाजा इसका जो अधिग्रहण हो रहा है उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। तो दस्तावेज इन्होंने LDA को पेश किए थे और उसके आधार पर LDA से इन्होंने 8 करोड़ रुपए का मुआवजा ले भी लिया। ये मामला बाद में हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी काफी फटकार लगाई थी और पूछा था LDA से कि ये कैसे हुआ। इसका कोई माकूल जवाब LDA इसमें दे नहीं पाया। बाद में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई इस पूरी मामले की इंक्वायरी के लिए। अब जाकर के ये पाया गया है कि वो दस्तावेज ठीक नहीं थे जो बुक्कल नवाब ने लगाए थे और 8 करोड़ रुपए का मुआवजा ले लिया था सरकार से, क्योंकि इसमें अधिकारी भी फंस रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने ये मुआवजा उन कागजों को आधार बना करके दिया था। इससे कहीं ना कहीं मामले को दबाए रखा गया, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी राजस्व विभाग के द्वारा। जो अनुमति उनको मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, न्याय विभाग ने ओके कर दिया है। अब इस मामले में जांच की जाएगी, FIR दर्ज कराई जाएगी और जो पैसा लिया गया है मुआवजे के तौर पर, हो सकता है कि उसकी वसूली भी बुक्कल नवाब से की जाए। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि बुक्कल नवाब को इस मामले में किस तरीके से उनसे जांच के दायरे में उनको लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है।